Hello students, now in this class I am going to discuss about the power measurement in three phase AC circuit. So as you already know, we have already discussed the generation part, the generation of three phase supply, correct? And we have already find the relationship between the line voltage, phase voltage, line current and phase current in case of three phase supply. Now in this lecture, we are going to discuss how we can measure the power in the three phase circuits. So before studying the power measurement in three phase circuit, first of all, we have to see that what is a wattmeter. Because by wattmeter only we can measure the power. So as the name suggests, this wattmeter means the power is measured in watt. Means we can say it along with the पावर फैक्टर, करेक्ट? तो वाट मीटर में क्या होता है, एक लो रेसिस्टेंस करंट कॉइल होता है, मींस एक करंट कॉइल होगा आपका, एंड दिस करंट कॉइल इज यूज्ड टू मेजर द करंट. तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लो होगा. तो एक रेसिस्टेंस हो गया, और उसके साथ क्या होता है, एक हाई रेसिस्टेंस प्रेशर कॉइल होता है, दिस हाई रेसिस्टेंस प्रेशर कॉइल. सो व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस हाई रेसिस्टेंस प्रेशर कॉइल, इज टू measure the potential difference between these two points. Suppose this is point A and this is point B. So this potential coil, means this potential coil, or we can say this pressure coil, will measure the potential difference between A and B. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इस करंट कॉइल से क्या मेजर कर सकता हूँ, करंट मेजर कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या मेजर कर सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, और आप कह सकते हैं V. ठीक है, तो वाटमीटर इसलिए यूज होता है. अब इस वाटमीटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पावर थ्री फेज सर्किट में मेजर कर सकते हैं. तो सो वाटमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पावर इन टर्म्स ऑफ वाट, करेक्ट? अब अगर यहां पे मैं देखूं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड बाय व्हिच वी कैन मेजर द पावर, कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इज वी कैन यूज थ्री वाटमीटर मेथड, थ्री वॉट मीटर मेथड, थ्री वॉट मीटर मेथड. तो इसमें हम थ्री वॉट मीटर मेथड में क्या कहते हैं, वी जनरली यूज थ्री वॉट मीटर टू मेजर द थ्री फेज पावर. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, थ्री फेज पावर मीन्स देर आर बेसिकली थ्री फेजेज आर देयर. सो दिस थ्री वॉट मीटर मेथड वी कैन मेजर द पावर इन ईच फेज, सो वी रिक्वायर द थ्री वॉट मीटर फॉर द मेजरिंग ऑफ द पावर. Now the problem with three watt meter method is that, problem यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पर all potential coil, means the potential difference coil is to be connected to neutral. यहाँ पर क्या है, जो potential difference का coil है उसे हमें neutral से connect करना पड़ेगा, means neutral. तो हमें न्यूट्रल आइडेंटिफाई होना चाहिए. अब कई जगह कई सर्किट्स में क्या होता है, थ्री फेज सप्लाई में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द न्यूट्रल, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया. दूसरा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे हम टू थ्री वॉट मीटर यूज कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट द इफिशियंट सर्किट ऑल्सो आइडेंटिफाई द न्यूट्रल. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे थ्री वॉट मीटर जो सिंपल केस है. नाउ द पावर कैन आल्सो बी मेजर बाय टू वॉट मीटर मेथड. टू वॉट मीटर मेथड यूज करके भी हम इजिली पावर मेजर कर सकते हैं. दूसरा एडवांटेज क्या, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि वी नीड ओनली टू वॉट मीटर मेथड, टू वॉट मीटर टू मेजर द पावर. द मेन इज दैट इट कैन बी यूज for balanced and unbalanced load both. यानी हम इसको बैलेंस में भी यूज कर सकते हैं और अनबैलेंस लोड के भी यूज कर सकते हैं. तो इस बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इसका. दूसरा चीज क्या है, हाँ, थ्री वॉट मीटर को भी हम बैलेंस और अनबैलेंस दोनों में यूज कर सकते हैं, बट मेन प्रॉब्लम क्या है, वी नीड द न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट की यहाँ पे जरूरत होगी. इन टू वॉट मीटर मेथड there is no requirement to identify
न्यूट्रल, ठीक है, टू आइडेंटिफाई न्यूट्रल. और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो दिस टू वॉट मीटर मेथड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन ऑल द यूनिवर्सिटी एग्जाम दिस टू वॉट मीटर मेथड इज जनरली आस्क. वन मोर मेथड इज देयर, दैट इज द वन वॉट मीटर मेथड, बट इन दिस क्लास आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वन वॉट मीटर मेथड बिकॉज इट हैज लिमिटेशन एंड दिस इज जनरली प्रैक्टिकली वी कैन से दिस इज नॉट यूज प्रैक्टिकली. सो आई एम हियर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्री वॉट मीटर मेथड एंड टू वॉट मीटर मेथड. सो let us discuss about the case first, means first case, that is three watt meter method. तो जैसा कि आप नाम ही देख पा रहे हैं, थ्री वॉट मीटर मेथड मतलब हम क्या यूज करेंगे, तीन वॉट मीटर यूज करेंगे. तो यहाँ पे सर्किट में देख सकते हैं मैंने दोनों के लिए बनाया, दिस इज फॉर डेल्टा एंड दिस इज फॉर स्टार. तो आप डेल्टा या स्टार किसी में भी देख सकते हैं. यहाँ पे तीन जो फेज है आर बी एंड वाई, तीनों फेज में हमने क्या किया, वी हैव कनेक्टेड द करेंट कॉइल. ये है करेंट कॉइल, ठीक है. तो करेंट कॉइल को मैंने कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया. क्यों, क्योंकि दिस करेंट कॉइल इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ करेंट and this potential coil is connected with the phase, this is the phase, is phase ke sath connected hoga aur second mein kya connected hoga, neutral point ke sath connected hoga. to jaise maine aapko bataya tha 3 watt meter mein hame kya karna padta hai, hamesha isko neutral point identify karke uske sath common karna hota hai. usi tarike se agar is coil ke liye main dekhu to ye current coil series mein connected hai aur jo potential coil hai, jo potential coil hai wo ek phase ke sath connected hai aur ek न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है. सिमिलरली ये जो थर्ड वाट मीटर है ये भी इसका भी सीरीज के साथ ये कनेक्टेड है करंट कॉइल, और पोटेंशियल कॉइल जो है वो फेज के साथ और न्यूट्रल के बीच कनेक्टेड है. तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारा वाट आएगा, वॉटेज मीन्स द पावर इन वाट, टोटल पावर, दिस इज गिवन बाई द रीडिंग ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री. सो टोटल पावर इज सिंपली डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री. तीनों वाट मीटर के जो वैल्यूज होगी उसको हम सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा पावर निकल जाएगा, दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, करेक्ट. सो दिस थ्री वाट मीटर इज वेरी सिंपलियर एंड वी कैन से दैट बाय यूजिंग थ्री वाट मीटर वी कैन इजीली मेजर द पावर बाय सिंपली एडिंग द रीडिंग ऑफ ऑल द थ्री वाट मीटर्स. नाउ वी सी केस नंबर टू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस नंबर टू, बाय यूजिंग टू वाट मीटर मेथड. This is very efficient method by using two watt meter method. ठीक है, ये बहुत ही efficient method है, important है, और इसको हम algebraic भी मतलब theoretically भी हम prove करेंगे कि how we can measure the total power in this three phase supply by using two watt meter. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले. तो analysis के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ये आप delta में भी देख सकते हैं और star में भी, दोनों के लिए मैंने connection यहाँ पे बनाया. तो मैं आपको star के through समझा देता हूँ कैसे use करेंगे. तो स्टार के थ्रू मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट्स के साथ आप देख रहे हैं कोई भी पोटेंशियल यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, दिस न्यूट्रल पॉइंट. द पोटेंशियल कॉइल के जो दोनों पॉइंट है, दोनों पोटेंशियल के जो कॉमन पॉइंट है वो थर्ड फेज के साथ कनेक्टेड है, किसके साथ, बी फेज के साथ. ठीक है, तो मैंने आर फेज पर एक वाटमीटर कनेक्ट किया डब्ल्यू वन, ठीक है, और करेंट कॉइल को मैं कहाँ कनेक्ट करूंगा, सीरीज में. तो ये मैंने सीरीज में कनेक्ट किया और पोटेंशियल कॉइल को आर फेज और बी फेज के बीच में कनेक्ट किया. उसी तरीके से वाई फेज का मैंने वाट मीटर कहाँ कनेक्ट किया, करंट कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया, और पोटेंशियल कॉइल को मैंने यहाँ पर वाई फेज और बी फेज के बीच में कनेक्ट किया. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैं एज्यूम कर लेता हूँ ताकि मैं इसको ड्राइव कर सकूँ. अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि बाई यूजिंग दिस टू वाट मीटर आई कैन फाइंड आउट द टोटल पावर, मीन्स पी टोटल इन थ्री फेज, करेक्ट, By using this two watt meter, W1 plus W2, correct? So ये अभी हमें देखना है. तो कैसे derive कर सकते हैं, अगर मैं watt meter 1 की value देखूँ, अगर मैं यहाँ पे watt meter 1 की value देखता हूँ, यहाँ पे देखें, अगर watt meter 1 लेता हूँ तो watt meter 1 की value अगर मैं assume कर रहा हूँ तो यहाँ पे what is the current flowing through watt meter 1? तो आप यहाँ पे simply देखते हैं current flowing through current coil of W1 कितना होगा, आप खुद देख के बताइए. यहां पे
यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? दिस करंट इज फ्लोइंग. सो करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कॉइल ऑफ द वाटमीटर वन इज गिवन बाई आई आर. तो आई आर आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, आई आर करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है. तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई आर करंट, करेक्ट. तो वाटमीटर वन के जो करंट कॉइल से फ्लो कर रहा है वो आई आर करंट है. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट डब्ल्यू वन, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप देखिए यहाँ पर पोटेंशियल कॉइल जो है वो किसके बीच कनेक्टेड है, आर और बी के बीच. मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दिस वोल्टेज इज गिवन बाई वी आर बी, करेक्ट. सो वी आर बी इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी, ठीक है. ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस एट डब्ल्यू वन. इसी तरीके से हम डब्ल्यू टू के लिए भी निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट फॉर डब्ल्यू टू ऑल्सो. सो करंट क्या हो जाएगा, व्हाट इज करंट, करंट थ्रो डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू. तो यहाँ पे सर्किट में देखिए इसके अक्रॉस करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, आई वाई. तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है वो हो गया आई वाई. और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया डब्ल्यू टू के अक्रॉस, डब्ल्यू टू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, ये है आपका वाई और ये क्या है बी. तो ये इसी का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर रहा है, तो इसको मैं वी वाई भी मेजर कर सकता हूँ, करेक्ट. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वी वाई बी इज इक्वल टू वी वाई माइनस वी बी. तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है डब्ल्यू वन में वो आई आर है, तो मैंने यहाँ पे आई आर लिख दिया. यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, देखिए आर और बी के बीच का ही पोटेंशियल ये कैलकुलेट कर रहा है. तो ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल क्या है, वी आर और बी, करेक्ट, क्योंकि बी जो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है. यहां तक क्लियर है. अब अगर मैं इसको ऐड करता हूं, अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं ऐड करूं टोटल पावर डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, करेक्ट. तो यहां से अगर मैं ऐड करूं तो पावर क्या होगा, आई आर मीन्स द करंट. हाँ, वन मोर थिंग, वट एवर द करेंट एंड वोल्टेज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है. तो यहाँ पे हम अभी फेज को नहीं ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होगी, वो आई आर है. और यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा उस टाइम पे, वी आर माइनस वी बी, ठीक है, करेक्ट, प्लस डब्ल्यू टू. डब्ल्यू टू मीन्स आई वाई एंड वी वाई माइनस वी बी, ठीक है. इसको मैं ओपन कर देता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, आई आर वी आर माइनस आई आर वी बी प्लस वी वाई आई वाई माइनस वी बी आई वाई, ठीक है. तो आई आर के कंपोनेंट अलग कर लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, आई आर वी आर, ठीक है. फिर इसको मैं ले लेता हूं प्लस आई वाई वी वाई और फिर माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस वी बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां से आई आर प्लस आई वाई, ठीक है. आई थिंक यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को. अब एक चीज और है, फॉर दिस स्टार कनेक्शन, फॉर दिस स्टार कनेक्शन मैं पहले बता चुका हूं, दिस आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इज इक्वल टू जीरो. ये हम पहले ही, हमने करंट का डायरेक्शन भी इसी तरह से अज्यूम किया था. तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, आई कैन सिंपली राइट दैट आई बी इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस आई वाई. आई थिंक दिस इज क्लियर. तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज आई आर वी आर प्लस आई वाई वी वाई. और यहां पे अगर मैं माइनस आई बी पुट कर देता हूं या फिर आई आर माइनस आई बी पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, प्लस वी बी आई बी. तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं सिंपली कह सकता हूं दिस इज पावर इन आर फेज प्लस पावर इन वाई फेज प्लस पावर इन बी फेज. सो टोटल पावर क्या हो गया, टोटल पावर इन वाट इज गिवन बाई दीज थ्री पावर्स.
और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो पावर मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर, तो इसलिए मैंने एंगल के साथ कोई भी चीज नहीं किया क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे हर एक टाइम पे हम कर रहे हैं, करेक्ट। इस चीज को हम चाहे तो फेजर से भी निकाल सकते हैं, तो फेजर से देख लेते हैं। तो अगर मैं फेजर से देखूं तो मैं एक बार फेजर डायग्राम यहां से ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं फेजर से इसको इवेल्युएट करता हूं तो फेजर में आप देख सकते हैं, फेजर से कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे, अगर मैं एज्यूम करता हूं कि यहां पे वाटमीटर वन की रीडिंग में क्या था, वाटमीटर वन की रीडिंग में करंट जो था वो आई आर था, तो ये आप देख सकते हैं फेजर में मैंने आई आर करंट को ड्रॉ किया है। कैसे ड्रॉ किया है देखिए, अपना जो फेज वोल्टेज है वी बी वी वाई और वी आर 120 डिग्री पे है, और इसका जो रिजल्टेंट है ये जो है वी वाई बी वी आर एस बी और ये दोनों वोल्टेज जो है ये क्या है आपका, दिस इज लाइन वोल्टेज, ये आपका लाइन वोल्टेज है। और आपको मैंने बताया पोटेंशियल कॉइल से हम क्या मेजर कर रहे हैं, लाइन वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो W1 में IR फ्लो कर रहा है, दूसरा VRB वोल्टेज है, सो VRB को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, VR माइनस VB, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, VR प्लस माइनस VB, मतलब माइनस VB को मैं क्या करता हूं एक्सटेंड कर, तो माइनस V को डॉटेड करके मैंने क्या किया एक्सटेंड कर दिया, ये माइनस VB है और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो VRB होगा। आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। और अगर करंट हम एंगल देखें तो आप देखिए वी आर डैश बी इसके और आई आर के बीच में क्या एंगल होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके और इसके बीच में टोटल एंगल क्या होगा, तो मैं क्या कह सकता हूं वी आर बी एंड आई बी के बीच में जो एंगल है वो है आपका 30 माइनस 5। देखिए यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो टोटल ये जो एंगल है ये जो इसके साथ बन रहा है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था कि जो फेज वोल्टेज और जो लाइन वोल्टेज के बीच जो एंगल बनता है वो कितना है, 30 होता है, करेक्ट। तो इसी तरह से इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 5 होगा। सो वी आर बी के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 5। आई थिंक दिस इज क्लियर, टोटल एंगल इज 30, तो 30 माइनस 5 एंगल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से डब्ल्यू वन की रीडिंग लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ एवरेज पावर, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वोल्टेज मीन्स वोल्टेज वी आर बी मल्टीप्लाइड बाई करेंट आई आर मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर, सो कॉस 30 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो गया किसका, वाट मीटर वन रीडिंग का। सिमिलरली हम अगर डब्ल्यू टू के लिए देखें, वाट मीटर टू की रीडिंग देखें, यहां पर करंट कितना है आई वाई और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है वी वाई बी, तो वी वाई बी को कैसे लिख सकते हैं, वी वाई माइनस वी बी, तो जैसे हमने यहां से निकाल लिया ये रिजल्टेंट है वी वाई बी, तो इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना होगा वी वाई बी एंड आई वाई के बीच एंगल कितना होगा, दैट एंगल इज, यहां से आप देखिए ये 30 है और ये 5 है, तो कितना एंगल होगा 30 प्लस 5, करेक्ट। तो W2 की रीडिंग क्या हो जाएगी, W2 इज इक्वल टू वी वाई बी आई वाई कॉस 30 प्लस 5। और आपको एक चीज और पता है, ऑल द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज वी हैव कंसीडर सेम, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वी एल, दिस इज लाइन वोल्टेज, आई आर इज ऑल्सो लाइन वोल्टेज, वी एल आई एल कॉस 30 माइनस 5, ठीक है। और इसी तरीके से इसको भी लिख सकता हूं मैं वी एल आई एल कॉस 30 प्लस 5, ठीक है। तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, तो अब देखते हैं डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू की क्या वैल्यू आ रही है, तो यहां से मैंने वैल्यू पुट कर देता हूं सिंपल, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी एल आई एल कॉस 30 माइनस 5 प्लस वी एल आई एल कॉस 30 प्लस 5, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, वी एल आई एल कॉमन है, वी एल आई एल मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कॉस थर्टी कॉस फाइव प्लस साइन थर्टी साइन फाइव
sin phi, correct, plus cos 30 cos phi minus sin 30 sin phi. इसको मैंने ओपन कर लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, वी एल आई एल इज इक्वल टू, देखिए ये चीज साइन 30 दिस एंड दिस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा ये 2 cos 30 cos phi. ठीक है, तो cos 30 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 बाई 2. सो वी एल आई एल 2 इंटू अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू cos phi. तो यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 वी एल आई एल cos phi. और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, द पावर इन थ्री फेज सर्किट इज गिवन बाय अंडर रूट 3 वी एल आई एल cos phi. तो यू कैन इजीली सी मैंने यहां पर क्या किया, दोनों तरीके से डिराइव कर दिया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू से भी डिराइव कर दिया और फेजर से भी आपको डिराइव कर दिया कि जो पावर की हमारी वैल्यू है वो अंडर रूट 3 वी एल आई एल cos phi है. तो यहां से मैं एक बार समराइज कर देता हूं, व्हाट वी हैव डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस व्हाट इज वाट मीटर. सो वाट मीटर इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू, करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल. तो करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल से हम पावर मेजर कर सकते हैं वाट में. थ्री वाट मीटर में हमने क्या देखा कि थ्री वाट मीटर इज द सिंपलेस्ट वन, बाई यूजिंग दिस थ्री वाट में वी कैन इजिली मेजर द पावर एंड दैट पावर इज नथिंग बट डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री. ठीक है, बट द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्री वाट मीटर मेथड इज दैट दिस न्यूट्रल पॉइंट, वी शुड आइडेंटिफाई द न्यूट्रल पॉइंट सो दैट वी कैन कनेक्ट द पोटेंशियल कॉइल टू द कॉमन न्यूट्रल पॉइंट. सो इन मेनी सर्किट, इन मेनी प्रैक्टिकल सर्किट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू have this to identify this neutral point and to connect it. In delta connection we already see that it is very difficult to identify the neutral point, so that limitation is overcome by the two watt meter method. And one more thing is that two watt meter method is the simpler one because we eliminate the need of one watt meter, so we need only two watt meter. So I have already explained how this this two watt meter mathematically is equal to the power of all the लाइन पावर इन द थ्री फेज सर्किट. तो आपको यहाँ पे मैंने करके दिखाया डिराइव करके कैसे होता है, और जो भी हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाला दैट वैल्यू इज बेसिकली द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट टेकन द कॉस फाई वैल्यू बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. बट इफ यू वॉन्ट टू डिराइव इट बाई द फेजर वोल्टेज वी कैन इजिली डिराइव इट ऑल्सो. सो दैट डेरिवेशन इज, एंड इफ यू सी द वोल्टेज पावर इन द थ्री फेज इज अंडर रूट 3 वी एल आई एल कॉस फाई. तो आप देख सकते हैं ये वोल्टेज सेम वोल्टेज है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से टू वाट मीटर मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट.